हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी की पिक। ये मेरी जुलाई मंथ की पिक है जब मेरे बाल इतने छोटे थे, और ये 2 महीने बाद की पिक है जब मैंने अपने बालों को लंबा करना स्टार्ट किया, और ये अक्टूबर की है, और ये पिक लास्ट वाली है 2022 की जब मेरे बाल इतने लंबे मोटे घने हो गए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी सीक्रेट हेयर ग्रोथ रेमेडी, जिस रेमेडी का मैंने यूज़ किया अपने बालों को लंबा करने के लिए। आज मैं आपको वो रेमेडी बताने वाली हूँ, एक एक करके मैं सारे रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी इन रेमेडी को ट्राई करें अपने बालों पे, अपने बालों को बहुत ही फास्ट लंबा मोटा घना बनाएं और अपने बालों को फिर से रीग्रोथ करें अगर आपके बाल झड़ गए हैं तो। इसके लिए आपको यहाँ पे लेना है एलोवेरा का लीफ, और इसे आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, और इस तरीके से आपको ऐसे पानी में थोड़े टाइम के लिए रख देना है जिससे कि इसका जो येलो पार्ट है अच्छे से निकल जाए। फिर अच्छे से आप इसे पानी से धो ले। इसका हमें जेल निकालना है, ये हमारे बालों की ग्रोथ को कई गुना फास्ट करता है, हमारे बालों को लंबा करने में हेल्प करता है, हमारे हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे कि हमारे बाल बहुत ही कम टूटते हैं, और जिससे हमारे जो पतले बाल हैं धीरे धीरे मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी करता है। तो इस तरीके से आप स्पून के हेल्प से या कॉम के हेल्प से इसका जेल निकाल लें। अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो अच्छे से इसका जेल निकलेगा। अगर आप भी चाहते हैं आपके बाल जो हैं बहुत ही फास्ट लंबे हो, आपके बालों की ग्रोथ फास्ट हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको हेल्थी डाइट लेनी। जी हाँ, आपको अच्छे से हेल्थी फूड खाना होगा जिससे कि आपके बाल जो हैं ग्रो करने स्टार्ट हो जाए। आप कितनी भी रेमेडी अपने बालों पे लगा लो, अगर आप अच्छे से डाइट का ध्यान नहीं रखती हैं, अच्छे से आप पानी नहीं पीती हैं, तो इससे आपके बालों पे कोई भी असर नहीं होगा और आपकी बालों की लेंथ नहीं बढ़ेगी। इसलिए आप रेमेडी भी यूज करो, अपनी अच्छी डाइट भी लो, अच्छे से आप पानी पियो जिससे कि आपके बाल जो हैं बहुत ही फास्ट ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ ही दिनों आपके बाल जो हैं लंबे मोटे घने हो जाएंगे। फिर इसे हमें पीस लेना है, इसमें आपको डालना है 1 चम्मच अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल, अच्छे से आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। इस जेल को हमें अपने बालों के स्केल्प पर अच्छे से अप्लाई करना है। मैंने बालों को लंबा करने के लिए इस रेमेडी का बहुत ही अपने बालों पर अप्लाई किया है जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई, इसलिए मैं आपको ये रेमेडी बता रही हूँ। जितना ये सिंपल है उतना ही इफ़ेक्टिव है, इसलिए आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। इससे आपके बाल बहुत ही फास्ट लंबे मोटे घने होने स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपली इसको अपने बालों पे आपको लगाना है। इस रेमेडी को अपने ऑयलिंग किए बालों पे भी लगा सकते हैं, और आपको हल्के हाथों से इसे लगाने के बाद अपने बालों पे आपको मसाज करनी है 5 मिनट के लिए। फिर से आप 1 या 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ दें। फिर अपने बालों को अच्छे से आपको धो लेना है। हफ्ते में एक बार इस रेमेडी को अपने बालों पर आप लगाएं, और फिर अपने बालों की लेंथ को आप देखें कितने फास्ट आपके बाल जो है लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।